हेलो फ्रेंड्स, शुभ वास्तु में मैं रीटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी मंदिर या फिर धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत शांति मिलती है और इससे हमारे मन में ये विचार आता है कि ऐसे मंदिर या फिर धार्मिक स्थल पर हमारा घर होता तो कितना अच्छा होता। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर या फिर धार्मिक स्थल के पास हमारा घर होना चाहिए या नहीं। कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, इन सभी पर एक विशाल घूमट होता है। यह घूमट एक तरह के पिरामिड के आकार में होता है। इस आकार में एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इन ऊर्जाओं को वहां पर जमा करती है, जिससे उस मंदिर या फिर धार्मिक स्थल में पॉजिटिव ऊर्जाओं में बड़ी बढ़त होती है। यह एक कारण है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें शांति का अनुभव होता है। पर क्योंकि मंदिर पॉजिटिव ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, इसीलिए मंदिर के आसपास की जगहों में पॉजिटिव ऊर्जाओं में कुछ कमी आ जाती है। जितना सिद्ध और विख्यात मंदिर होता है, उतनी वहां पर पॉजिटिव ऊर्जाएं आकर्षित होती है। और अगर आपका घर मंदिर के बहुत पास में होता है तो आपके घर की पॉजिटिव ऊर्जाएं भी मंदिर की ओर आकर्षित हो जाती है और इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जाओं की कमी आती है। तो क्या इसका यह मतलब है कि हमें मंदिर के पास घर नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप मंदिर के पास घर ले सकते हैं, पर यहाँ पर आपको यह देखना है कि घर और मंदिर के बीच में कम से कम 80 से 100 फीट की दूरी हो, या फिर आप यह देख सकते हैं कि आपका घर मंदिर के घूमट पे लगे हुए ध्वज के परछाई क्षेत्र से बाहर हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।